हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग विद गौरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ जो ये हमारी पुरानी बॉटल होती है इसकी, सीरप वगैरह की, जो हमारी बीमारी में आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कबाड़ में फेंकने से अच्छा इसका कुछ DIY किया जाए। तो ये मैं, इसके लिए मेरे को चाहिए एक बॉटल, सीजर, कटर, फेविकोल, ग्लू गन और ये थोड़ा सा कार्डबोर्ड का पीस। ये थोड़ी सी मैंने इसमें ले ली है, इसमें कार्डबोर्ड में लगाने के लिए शीट एक ले ली, पेपर शीट, और एक ग्लिटर शीट है, और ये कुछ फ्लावर्स हैं, और ये थर्माकोल के बीड्स हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर ज़रूरत हुई तो यूज करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कार्डबोर्ड के पीस को तैयार करते हैं, जिसके लिए मैं इसमें सिंपल ये PVA ग्लू लगाऊँगी। इसके कॉर्नर्स, जिससे ये हमारा अच्छे से हो जाए, जैसे हम लोग जब पेपर कवर चढ़ाते हैं ना बुक्स वगैरह में, तो ऐसे कॉर्नर्स कट कर करके चढ़ाते हैं, तो आप वैसे अगर इसके कॉर्नर्स कट कर देंगे तो ये जब हम स्टिक करेंगे ना तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ ताकि, क्योंकि मैंने कई वीडियो शॉर्ट्स में भी डाले हैं तो कुछ लोगों की ये कमेंट आई है कि मैम आप पूरा, आप बहुत अच्छी DIY करती हैं, तो आप मतलब अच्छे से समझा के बताइए। मैं चाहती तो इसका शॉर्ट भी डाल सकती थी, बट मैंने इसीलिए उन व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया है कि मैं स्टेप बाय स्टेप, देखिए आप इस तरीके से इसको स्टिक कर लेंगे चारों तरफ से। मैंने पूरा अपना स्टिक कर लिया है, इसको कॉर्नर पर रख देते हैं। अब ये बॉटल, अब इसका ये जो पार्ट है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये जो कटर आते हैं हमारे, उनसे बहुत अच्छे से कट हो जाता है। ज़रा सा कट हमको इस कटर से लगाना होगा, बाकी उसके बाद आप चाहें तो सीजर से भी कट से कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी लाइट वेट प्लास्टिक होती है कि ये सीजर से भी कट हो जाती है और कटर से भी। आप जैसे आपको आसान लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं अभी तो कटर की हेल्प से कर रही हूँ, बाद में इसके एजेस जब ज़्यादा वैसे होंगे तो मैं देख लूँगी, कुछ थोड़ा बहुत सीजर से भी कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं फनल के लिए यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं किसी छोटे भी बॉक्स में, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये आती है ना उसकी शहद की बॉटल, अब इसमें मेरा अमचूर पाउडर है तो मैं इसमें करूँगी, तो इसके लिए मैं इसको फनल के भी यूज़ में ले सकती हूँ। बट अभी मैं इसका यूज इस DIY में करूँगी। अभी मैं कुछ आपके लिए बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाली हूँ एक वीडियो, जिसमें मैं सारे स्टेप के आपको 10-15 हैक्स बताऊंगी कि जिससे कि आप अपना डेली रूटीन का काम काफ़ी इजीली कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को के लिए ये चाय है, मैंने अपने लिए बनाई है, आप भी आइए एंजॉय करिए मेरी टी को। रात का 1 बज गया है और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो और मुझे ये DIY आज ही कम्प्लीट करना था, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार चाय बनाई जाए और उसके बाद ये DIY कम्प्लीट किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पूरे में ये ग्लू, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ग्लू गन का ही यूज़ करें, अगर आपके पास नॉर्मल PVA ग्लू है, ग्लू नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने ऊपर वाली जो है ना स्ट्रिप, वो PVA ग्लू से ही स्टिक कर दी है इसमें, मैंने उसमें कोई भी ग्लू गन का यूज़ नहीं किया है। बस हाँ, इसके जो ये लास्ट होता है ना उसमें थोड़ा वो नहीं जल्दी, और ग्लू गन से ये है कि आपको तुरंत ही हो जाता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ऐसा है नहीं, अगर आप थोड़ा टाइम लेकर बनाएंगे तो आप नॉर्मल PVA ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो पूरा बना भी नहीं और कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए, अब ये जो मैंने इसकी फनल निकाली है ना, इसको भी मैं ऐसे ही डेकोरेट कर लूँगी ग्लिटर शीट से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कुछ इसका हल्का सा, मैंने सोचा कि कुछ माउथ वाउथ इसका क्रिएट किया जाए, तो मैंने एक सिंपल सा ये जो बच्चों की कॉपी होती है ना उसका पेज ले लिया है, और उससे ही मैं, सॉरी उसका पेज नहीं लिया है, ये मेरी रिपोर्ट आई थी, मेरी ब्लड की जांच हुई थी कुछ दिन पहले, उसका जो होता है एनवलप होता है ना, मैंने उससे इसका, ये देखिए मैंने गोल गोल सर्कल कट कर लिए और उसके ऊपर मैंने ये
आईज के लिए ये कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने छोटी छोटी सी आईज लगा दी हैं और ये मैंने इसी पेपर का टुकड़ा जो है वो सी टाइप में कट कर लिया है और इस तरीके से मैं इसको भी इससे फेविकोल से ही स्टिक कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने इसका माउथ लगाया था ना, तो इसको मैं इस तरीके से हल्का सा रेड एक्रेलिक कलर से, पूरा नहीं बस साइड से थोड़ा सा आउटलाइन कर दूंगी। एक्रेलिक कलर इसलिए कि ये जल्दी से ड्राई हो जाता है, बाकी आप चाहें तो पोस्टर कलर, वाटर कलर कोई भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने फनल बनाई थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी इस DIY के हिसाब से, तो मैंने इसको थोड़ा सा, जो इसका बॉर्डर था इसको कट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे ग्लू गन की हेल्प से इसको हम ऐसे करके स्टिक कर लेंगे और ठीक उसी तरीके से हम अपनी ये फनल जो मैंने बनाई थी वो भी स्टिक कर देंगे। और ये मैंने अभी आपको बताया था ना, वो जो फनल थी उसका ऊपर का बेस ज़्यादा बन गया, तो उसके लिए भी मैंने कुछ कर लिया है, वो अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हमारी फनल की ना सबकी कटोरी जैसी निकली थी, उसको भी मैंने ऐसे करके कुछ DIY कर दिया, हल्का सा डेकोरेट करके, वो भी मैं अभी इसके बीच में स्टिक कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कबाड़ में पड़ने वाली बॉटल से मैंने कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है मेरा DIY, आप खुद देख सकते हैं। और ये देखिए, ये सोचा था ना जो कटोरी बाउल निकला था, उसको भी मैंने ऐसे करके कुछ डेकोरेट कर दिया, जैसे बच्चे अपना कुछ भी इसमें रखना चाहे, छोटा मोटा रख सकते हो, और इसमें एज आ पेन होल्डर यूज़ कर रहे हैं बच्चे। और ये जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं ना, ये छोटा सा मैंने क्रिएचर, ये सब मेरे DIYs हैं, ये बेड साइड टेबल। अगर आपने मेरे ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।